जेफ झटके से सुबह अपने बेड से उठे। वो डरे हुए थे कि कहीं उन्होंने अलार्म मिस तो नहीं कर दिया और अपने ऑफिस में जाने के लिए लेट तो नहीं हो गए। जब उन्होंने आईफोन में टाइम देखा तो 5:34 हुए थे और उन्होंने अलार्म 5:45 का लगाया था, यानी वो अलार्म बजने से 11 मिनट पहले उठ गए थे। जेफ इन 11 मिनट तक सोच रहे थे कि अगर उन्हें जॉब अच्छी नहीं लगती और वो जॉब से इतने डरे हैं कि वो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं तो वो जॉब कर ही क्यों रहे हैं। वो शीशे के पास ब्रश करने के लिए गए और अपनी शक्ल देखी। उन्हें पता था कि वो जिंदा है लेकिन अपनी लाइफ नहीं जी रहे। बचपन में उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। कॉलेज से निकलते ही उसे एक बड़ी ड्रग कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी। उसने वही किया जो उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था, लेकिन वो बहुत दुखी था। उसे पता था कि ये स्लो सेविंग्स करके अमीर बनने के तरीके की थ्योरी में कुछ ना कुछ तो गलत है। वो जानता था कि वो एक रैट रेस में फंसा हुआ है लेकिन बाहर कैसे निकलना है वो उसे समझ नहीं आ रहा था। द मिलियनेयर फास्टलेन बुक के ऑथर एमजे डीमार्को कहते हैं कि जेफ क्या इवन वो भी इसी रैट रेस का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इन रूल्स को समझा जिससे वो इस स्क्रिप्टेड लाइफ यानी रैट रेस की लाइफ से बच पाए। एमजे कहते हैं कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था जहां पर हमें ये बताया गया था कि अमीर सिर्फ ओल्ड एज में ही बना जा सकता है, वो भी पैसे जोड़ के, और जल्दी यंग बनना है तो हमें या तो कोई सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा या फिर प्रोफेशनल फुटबॉलर। ऑथर कहते हैं कि एक दिन मेरे घर के पास लैम्बोर्गिनी आई और हम सब बच्चे उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर हम उस गाड़ी के पास गए और उस गाड़ी के ओनर से पूछा कि आप करते क्या हो जिसकी वजह से आप ये बड़ी गाड़ी ले पाए, और उस गाड़ी के ओनर ने कहा कि वो एक एंटरप्रेन्योर है। डीमार्को ये देख के बहुत हैरान हो गए क्योंकि एक तो उस गाड़ी का ओनर बहुत यंग था और उन्हें बचपन से कहा गया था कि ज्यादा उम्र में ही अमीर बना जा सकता है, दूसरा ये कि वो सेलिब्रिटी या फुटबॉल प्लेयर नहीं थे बल्कि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर थे। एमजे कहते हैं कि उसके बाद इनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया कि जवानी में अमीर बनने के और भी तरीके हैं। इसके बाद उन्होंने बिजनेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और वो सबसे पहले फ्रीलांसर बने और उन्होंने बाकी लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक और काम स्टार्ट किया, वो ये था कि एयरपोर्ट में जो भी लोग आते थे उन्हें अपने घर तक जाने के लिए कोई ना कोई टैक्सी सर्विस चाहिए होती थी तो वो लोग उन्हें इसके लिए मेल कर सकते हैं। तो शुरू में एमजे उन लोगों के पास गए और उनसे कहा कि अगली बार जब भी आप एयरपोर्ट में आएंगे तो वो उन्हें मेल कर सकते हैं जिससे वो उन्हें टैक्सी दिलवा देंगे। बाद में उन्होंने नोटिस किया कि उन्हें बहुत से लोगों की मेल जाने लग गई थी जिनमें लोग उनसे कहते थे कि मैं कल 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, मुझे टैक्सी दिलवा देना। जब ये बात एमजे ने अपने दोस्त को बताई तो वो हैरान हो गया। उसने कहा अगर तुझे इतनी मेल जाती है तो तू टैक्सी बिजनेसेस के साथ कॉन्टैक्ट कर ले और टैक्सी वालों को हर एक लीड देने पर पैसे चार्ज किया कर। एमजे ने इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की और इस बिजनेस को सेट कर दिया और कुछ सालों के बाद यही बिजनेस उन्होंने 75 करोड़ रुपए का सेल किया। एमजे बोलते हैं कि अगर हमें जवानी में ही अमीर बनना है तो इसके लिए 5 रूल्स हैं। पहला है द डिट्रॉय प्रिंसिपल। जब ऑथर ने अपना पहला बिजनेस बेचा तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कोई महंगी चीज खरीदनी चाहिए और मैंने भी अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद ली, लेकिन इसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इस कार के साथ उन्हें हर बार पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि हर कुछ महीने के बाद उन्हें 20,000 का इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, हर 2 साल के बाद 2 लाख के टायर चेंज होंगे, हर साल 3 लाख की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, 2,10,000 की हर साल की इंश्योरेंस होगी, हर 20,000 माइल्स चलने पर 8 लाख की क्लच चेंजेस करवाने पड़ेंगे और 5,000 हर बार उस गाड़ी के धोने के लगेंगे। इतना ही नहीं, जब भी कोई लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी चलाता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो हाई स्टेटस वाला इंसान होगा, इसलिए उन्हें पता था कि वो नॉर्मल टी शर्ट पहन के तो बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से उन्हें नई ड्रेसेस लेनी पड़ी और इस प्रिंसिपल को डिट्रॉय प्रिंसिपल कहते हैं। एक्चुअली डेनिस डिट्रॉय मिड 16th century में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और उनके पास एक पुराना गाउन था जिसे वो खुशी से पहनते थे, लेकिन फिर एक दिन उनके पास उनका एक फ्रेंड आया और उसने एक महंगा खूबसूरत गाउन उन्हें गिफ्ट कर दिया। जब उन्होंने वो गाउन पहना तो उन्हें अपने सारे पुराने कपड़े गंदे लगने लगे और उन्होंने वो सारे बदल दिए, इवन कि अपने घर में फर्नीचर भी बदल दिया, और इस गलती को उन्होंने बाद में रियलाइज किया और इस पर उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था रिग्रेट्स ऑन पार्टिंग विद माय ओल्ड ड्रेसिंग गाउन। तो इस रूल की लर्निंग ये है कि जब भी हम एक महंगी चीज के लिए पैसे खर्चते हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें बाकी चीजों पर भी पैसे खर्चने पड़ते हैं। अगर आप एक मैकबुक लेते हैं तो उसके लिए हमें USB-C अडैप्टर लेना पड़ता है, उसका कवर लेना पड़ता है, उसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है उसे पे करना पड़ता है, एंड सो ऑन। आई नो हमें से काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस वीडियो में तो हम फास्ट लेन मिलियनेयर की बात कर रहे थे तो दोबारा से हम ये गरीबों की तरह जीने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है और वो कहता है द कॉर्न ब्रेड स्ट्रेटजी। जैसे ही ऑथर ने अपनी कंपनी बेची तो उसके नए ओनर्स ने अपना मेन ऑफिस एरिजोना से शिफ्ट करके सैन फ्रांसिस्को ले गए और ऑथर को पता था कि ये गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में एक नॉर्मल ऑफिस का रेंट भी
3 लाख के करीब था और बिजली भी बहुत महंगी थी। इसलिए एमजे बोलते हैं कि मेरा एक रूल है जो कहता है कि यूज कॉर्न ब्रेड स्ट्रेटजी, यानी मक्की की रोटी तब तक खाते रहो जब तक तुम एक्चुअल में अमीर नहीं बन जाते, और शैंपेन बाद में पीना। जिसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारा बिजनेस बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाने लग जाए तब तक बिजनेस का हर प्रॉफिट बिजनेस में ही जाना चाहिए। अगर तुम अपने इम्प्लॉइज को महंगे लंचेस खिला रहे हो और ट्रिप्स पर लेके जा रहे हो तो ये शैंपेन स्ट्रेटजी है जो शॉर्ट टर्म में तो इम्प्लॉइज का मोराल बूस्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से कंपनी में कोई पैसा नहीं आएगा। तो इस पॉइंट की लर्निंग ये है कि मिडिल क्लास लोग इनकम के साथ साथ अपना स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर देते हैं, जो कि शैंपेन स्ट्रेटजी है। लेकिन कॉर्नब्रेड स्ट्रेटजी कहती है कि जब इनकम इंक्रीज हो तो उसे बिजनेसेस खोलने का ट्राई करो, और जब उसे काफी इनकम आने लग जाए तब इन एक्सपेंसिव चीजों में पैसे खर्चना एक सेंसिबल चॉइस होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द न्यू हॉर्स स्ट्रेटजी। एमजे कहते हैं कि मैं कंपनी बेचने से 6 महीने पहले ही एक कंफ्यूजन में पड़ा था। मेरे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही थी, उन्हें पता चल गया था कि अगर वो अपना बिजनेस चेंज नहीं करेंगे तो ये 3 साल तक ही मैक्सिमम और चल पाएगा, और अगर उन्हें अपना बिजनेस अभी चेंज करना है तो उन्हें टेक और इंप्लॉइज में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वो इस वक्त वो इतने रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे। एमजे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने अभी अपना बिजनेस बेच दिया तो उन्हें उस बिजनेस के लिए इतने पैसे मिलेंगे कि उन्हें जिंदगी भर कोई मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। 3 साल के बाद उबर आ गई, जिसका टेक बहुत स्ट्रांग था और उसने पूरी मार्केट को डिस्ट्रप्ट कर दिया। तो इस पॉइंट की लर्निंग ये है कि अपने बिजनेसेस को अपनी लाइफ मत समझो। अगर हमारा बिजनेस हमारी लाइफ के गोल्स पूरे नहीं कर पा रहा तो दूसरे बिजनेसेस खोलने में मत डरो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द डेयर स्ट्रेटजी। एमजे रिसेंटली एक लड़की से इंटरनेट पर मिले, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। उस लड़की ने पहली डेट के लिए हाँ कर दिया, और अब हुआ ये कि डेट खत्म होने पर एमजे अपनी महंगी कार में बैठे, वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वो खुशी से इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कर ली, और अचानक वो कंट्रोल खो बैठे और गाड़ी एक पाम ट्री में जाके बजी, लेकिन उनकी जान बच गई। एमजे कहते हैं कि मैंने बिजनेसेस इसीलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि उसमें एसिमेट्रिक रिटर्न होता है, यानी बहुत कम टाइम में, जैसे कि 4-5 साल में हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन कई बिजनेसेस में एसिमेट्रिक नेगेटिव रिटर्न होता है, यानी उसमें रिस्क बहुत ज्यादा और पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये ऐसा ही था जैसे कि मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ। 10 सेकंड तक तो मैंने हाई स्पीड की फीलिंग ली, लेकिन फिर कार एक्सीडेंट हो गया जिससे मैं मर भी सकता था। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जो भी बिजनेस हम चूज करें उसमें डेयर प्रिंसिपल को याद रखें। डेयर का फुल फॉर्म है डाउनसाइड एसिमेट्रिक रिस्क इवेंट, यानी ये देख लें कि हम वही बिजनेस करें जिसमें अगर वो बिजनेस डूबता है तो हमारी लाइफ में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द फायर्ड कस्टमर स्ट्रेटजी। एमजे कहते हैं कि सालों पहले मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें एक कस्टमर बार बार हर हफ्ते उनकी कस्टमर सर्विस को कॉल करता रहता था और उनका टाइम वेस्ट करता था। एमजे ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी टीम से कहा कि ये कस्टमर हर हफ्ते हमसे कितने की सर्विस लेता है। जब टीम ने सारा डेटा कलेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि ये कस्टमर सिर्फ 800 रुपए का बिजनेस देता है, जबकि कस्टमर सर्विस के लिए वो 10,000 रुपए स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि इस कस्टमर को आप कह दो कि हम इन्हें सर्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऑथर के अकॉर्डिंग कस्टमर हमारे लिए भगवान के समान है, लेकिन फिर भी लॉजिकली हमें देखना चाहिए कि हम कस्टमर से कितने पैसे अर्न कर रहे हैं। अगर हम एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और वैल्यू देने के लिए 200 रुपए खर्च करते हैं तो कम से कम आपको उस कस्टमर से 200 रुपए तो कमाने ही चाहिए, वरना उनसे बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। यानी हमेशा ये मत सोचो कि हर इंसान को आपको अपने प्लेटफॉर्म में लाना ही है। जैसे कि कस्टमर के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में जा सकता है, वैसे ही हमारे पास भी चॉइस है कि कौन से कस्टमर के साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। रूल नंबर 6 कहता है अंडरस्टैंड स्क्रिप्टेड लाइफ इज नॉट ट्रू। ऑथर कहते हैं कि हमें 5 चीजें बचपन में गलत सिखाई जाती हैं, और इसे हम स्क्रिप्ट एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, जिसमें एस का मतलब है स्कूलिंग, जिसमें बचपन के पहले 18 साल में सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि हमें ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है जिनको यूज करके हम दूसरों के लिए जिंदगी भर काम कर सके। ऑथर के पास एक कपल आया था, उन्होंने कहा कि वो 80 लाख के लोन में है, जिसमें 35 लाख का लोन उनका कॉलेज का है और 45 लाख का लोन उनके नए घर का, और अब उनकी पूरी जवानी इन्हीं लोन्स को चुकाने में चली जाएगी। स्क्रिप्ट में सी का मतलब है कंज्यूमरिज्म, यानी बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब भी हमारी सैलरी इंक्रीज होगी तो हम ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हम आईफोन 14 ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कंज्यूमर की जगह हमें प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए। आर से आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर हम लाइफ में जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि जल्दी शादी जल्दी बच्चे करो तो हमारी वर्क पे डाई वाली जिंदगी चल पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि पहले हम अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं। आई से आता है इग्नोरेंस। 1961 में मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये पता चला था कि अगर एक एवरेज इंसान के पास एक अच्छा सूट बूट पहन के इंसान आता है और वो उसे कुछ करने के लिए बोलता है
तो वो एवरेज इंसान मान जाएगा, विच मीन्स कि हम बचपन से ही फ्रीडम से इग्नोरेंट हैं, यानी हमारा माइंडसेट ही एक स्लेव वाला है। इसलिए इस स्लेव माइंडसेट से बचने के लिए हमें नॉन एकेडमिक बुक्स को पढ़ना चाहिए। और अगर हमारे पास नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है या फिर इंग्लिश हमें उतने अच्छे से समझ नहीं आती, तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर हम अपने स्लेव माइंडसेट को तोड़ना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। पी से आता है प्रॉमिसेस। बचपन से हमें प्रॉमिस किया जाता है कि अगर हम 30 सालों तक एक एक पैसा बचा के जिंदगी जिएंगे तो हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एमजे कहते हैं कि मैं अभी 55 साल का हूं और स्कीइंग करते हुए पिछले साल मैं गिर गया था और फिर 3 हफ्तों तक स्कीइंग नहीं कर पाया। इन शॉर्ट, जिस तरीके से जो 30 साल में मैं स्कीइंग करता था वो अब 55 साल में नहीं कर सकता। उसी तरीके से अपनी जवानी बर्बाद करके ये सोचना कि हम गरीबी में अमीर बन के खुश होंगे, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। और इन फेक प्रॉमिसेस पर यकीन मत करो, जल्दी अमीर बना जा सकता है। टी से आता है टैक्सेशन। अगर हम एक नॉर्मल डिसेंट जॉब भी ले लेते हैं तो उसमें हमें करीबन 30% टैक्स देना पड़ सकता है, यानी एक साल में करीबन 3 महीने की मेहनत से जो हमने पैसे कमाए हैं वो हमें सरकार को देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी का टैक्स हमें जिंदगी भर देना पड़ेगा, गाड़ी पर टैक्स देना पड़ेगा, इवन की सुई पर टैक्स देना पड़ता है। इसलिए टैक्स लॉ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड द ग्रेट रैट रेस एस्केप फ्रॉम वेज स्लेवरी टू वेल्थ से बताई है। आप इसकी डिटेल्ड बुक समरी गीगल एप्लीकेशन में भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।